हर किसी की डिजायर होती है कि हमारे स्किन पे कोई एक्नी ना हो, डार्क स्पॉट ना हो और हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो। अब लोग गलती ये कर लेते हैं कि वो कर लेते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा और उनको लगता है कि उनकी स्किन 15 दिन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एक बात तो समझ लो, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन एवर बी परफेक्ट। तो किसी भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है, हर किसी को स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। किसी को एक्नी की प्रॉब्लम है, किसी को डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, किसी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो हर किसी की स्किन में है, लेकिन एक परफेक्ट अच्छा स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करो वो भी कंटिन्यूसली, तो आपकी स्किन भी हो जाती है बहुत ही बढ़िया क्लियर और व्हाइट ग्लोइंग। मार्केट में जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि 15 दिन में ही आपकी स्किन पे से सारे ब्लेमिश ही हटा देंगे, आपके डार्क स्पॉट को गायब कर देंगे, तो समझ लो कि वो आपकी स्किन को लॉन्ग रन में तो नुकसान देने ही वाला है। इंस्टेंटली चाहे आपको थोड़ा सा फायदा दिखे, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको एजिंग की प्रॉब्लम देगा, आपकी स्किन की एक लेयर हटा देगा जिसकी वजह से टैनिंग भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्की व्हाइट स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क, जो आपको दिलाएगा मिल्की व्हाइट स्किन विथ ग्लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि ये मास्क आप कैसे रेडी कर सकते हो। तो आज का मिल्की व्हाइट फेस मास्क बनाने के लिए हमें टोटल 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। उसमें से पहला इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा। इजीली आपको अपने किचन में मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने किचन तक जाना है और ये आपको मिल जाएगा। गेहूं का आटा यानी कि जो व्हीट फ्लोर होता है वो रिच इन विटामिन्स और मिनरल्स होता है और बहुत ही रिच होता है इन फाइबर। तो ये हमारे बॉडी के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी स्किन पे भी काफी अच्छे वंडर्स और बेनिफिट्स ये देता है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो ये कमाल का इफेक्ट आपके फेस पे देने वाला है। आपके फेस पे से एक्नी हटा देगा, ब्लेमिश ही हटा देगा और डार्क स्पॉट भी ये ठीक करेगा। अगर सिर्फ गेहूं के आटे को आप रोज वाटर के साथ मिला के अपने फेस पे लगा लो तो आपको लगेगा लगाते के साथ ही कि आपके फेस पे जबरदस्त वाला ग्लो आ गया है। बहुत ही कमाल का रहता है हमारी स्किन के लिए। इसीलिए हमारे मिल्की व्हाइट स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क का सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने लिया है गेहूं का आटा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज करने वाले हैं वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। मिल्क वैसे भी हमारी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करता है, तो जो मिल्क पाउडर हम यूज करने वाले हैं वो साथ ही साथ लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के साथ साथ हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। जितनी भी रफ स्किन होगी उसको ये हटा देगा एंड स्किन ब्राइट बना देगा। जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है कर्ड, क्योंकि इससे पहले हमने दोनों इंग्रेडिएंट पाउडर फॉर्म में यूज किए हैं, तो इनको मिक्स करने के लिए हमें कोई लिक्विड फॉर्म वाला भी इंग्रेडिएंट चाहिए जो है कर्ड। कट बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग का काम तो करता ही है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी नरिशमेंट हमारी स्किन को देता है। कट बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और हाइड्रेशन देगा जो हमारी स्किन पे लाएगा ग्लो। तो ब्राइटनिंग के साथ ही साथ आपके स्किन पे ग्लो भी लाएगा। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर यूज करने वाले है वो है लेमन जूस। लेमन आप डायरेक्टली लगाते हो तभी वो आपको नुकसान देता है, आपके स्किन पे रेडनेस कर सकता है, ब्रेकआउट्स कर सकता है, लेकिन अगर किसी रेमेडी के अंदर सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में 2 से 3 ड्रॉप अगर आप लेमन की यूज कर लो तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो डार्क स्पॉट को बिल्कुल फेड कर देता है, बिल्कुल गायब कर देता है। लेकिन अगर आप एलर्जिक हो लेमन से तो आप लेमन स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पे टोमेटो जूस का भी यूज कर सकते हो। टोमेटो जूस भी लेमन जैसा ही सेम इफेक्ट देता है, लेकिन उसके अंदर इसके मुकाबले थोड़ा सा कम विटामिन सी होता है, तो थोड़ी देर से इफेक्ट करता है लेकिन इफेक्ट तो करता ही है। तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो ये फोर्थ इंग्रेडिएंट, या फिर आप लेमन जूस और टोमेटो जूस में कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच गेहूं का आटा, उसके अंदर हमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर का ऐड करना है, उसके अंदर 2 चम्मच हमें दही यानी कि कर्ड का ऐड करना है एंड 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस या फिर टोमेटो जूस का ऐड कर देना है। सारी चीजों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड इसके लेयर अपनी फेस पे और नेक पे लगा लेनी है। उसको ड्राई होने देना है 15 से 20 मिनट तक, थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको ल्यूक वॉर्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है एंड वॉश करते के साथ ही आपकी स्किन पे गजब का निखार दिखेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी स्किन ग्लो तो करेगी ही, स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग भी हो जाएगी एंड साथ ही साथ आपके जो डार्क स्पॉट एक्नी और
पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, आपको मिलेगी एक इवन टोन स्किन, आपका स्किन टेक्सचर भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये स्किन व्हाइटनिंग मिल्की व्हाइटनिंग फेस मास्क जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।